Hey, what's up guys, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट में इस तरीके का बायोस लगा सकते हो। इसको अगर लगा डाला तो लाइव हो जाएगा झिंगा लाला। आपके दोस्त आपको पूछेंगे, अरे यार कैसे कर लेते हो ऐसा, हमें भी सिखाओ ना यार, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप ऐसा फेसबुक अकाउंट में बायोस लगाना चाहते हो तो हम इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे बायोस देंगे। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। गाइस, अगर आप अपने नाम के साथ ऐसा कुछ ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऊपर थ्री डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको नेम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चले जाना है ऊपर, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एड ए निक नेम, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ऐसा नज़र आएगा, यहाँ पे आपको अपना नेम यहाँ पे लिख देना है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, जो भी यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में वही वहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द एफ बी किंग, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द एफ बी किंग। उसके बाद यहाँ पे आपको इस गोल के आइकन पे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरे नाम के पास यहाँ पे द एफ बी किंग लिख के आ रहा है। और उसके बाद नीचे आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक चलाना है और आपके प्रोफाइल में चले जाना है। तो यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल में चले आते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख पाओगे कि नेम यहाँ पे चेंज हो गया है। देख सकते हो मेरे नाम के पास एक छोटा सा यहाँ पे और भी एक लिखा आ रहा है द एफ बी किंग, ऐसे करके आप लगा पाओगे। बायो ऐड करने के लिए आपको फेसबुक ओपन कर लेना है। उसके बाद अपने प्रोफाइल में चले आना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट पब्लिक डिटेल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ऐसा नज़र आएगा, यहाँ पे आप अपना बायो को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे बायो के पास ऐड वाला बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बायो को पेस्ट कर देना है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि बायो का लिंक आपको कहाँ मिलेगा या फिर बायो आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहाँ पे बायो लिंक दिया रहेगा। तो गाइस उस लिंक पे क्लिक करिए, उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बायो को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ऐसे करके आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इस बायो को यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो बायो सेव हो गया है। उसके बाद आपको बैक चलाना है और यहाँ पे आपको बायो दिख रहा होगा, देख सकते हो बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है, ऐसे करके आप इस बायो को ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो बायो है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस बायो को अगर आप अपने फेसबुक बायो में लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक करके एक लिंक दे रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करिए। उसके बाद गाइस आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दिखेगा, इसको यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको आप ऐसे करके कॉपी कर लीजिए। उसके बाद गाइस आपको फिर से चले जाना है अपने फेसबुक अकाउंट में, और यहाँ पर आपको चले जाना है नीचे, और यहाँ पर आपको एडिट पब्लिक डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर आपको बायो को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आपका बायो यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आप फिर से बैक आ जाइए और यहाँ पे गाइस आपका बायो कुछ ऐसा दिखेगा। तीसरा जो बायो है ऐसा कुछ आपको दिखेगा। इस बायो को अगर आप अपने फेसबुक बायो में लगाना चाहते हो तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, थर्ड लिंक करके उस लिंक पे क्लिक करिए। उसके बाद गाइस आपको ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे आपको इस बायो को क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ऐसे करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद गाइस आपको फिर से चले जाना है बैक, और वहाँ पे आपको अपने फेसबुक अकाउंट में चले जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एडिट पब्लिक डिटेल्स में फिर से क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको बायो को ऐड कर लेना है। यहाँ पे हम ऐड बायो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम उस कॉपी करा हुआ बायो को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको बैक चले जाना है और यहाँ पे आपको अपना बायो दिख जाएगा। देख सकते हो बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। अगर आप इन सभी बायो को ऐसे अपने फेसबुक बायो में लगाना चाहते हो तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के सभी लिंक मिल जाएगा, उसे आप लगा सकते हो। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक मारिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आप लोग को खुश रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।